बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स कम्युनिकेशन की, आपको याद होगा। और हम लोगों ने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन जो होता है ना जी, वो टू वे प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, आपने ये बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में भी पढ़ा होगा कि एक एंड के ऊपर हमारे पास सेंडर होता है और दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास रिसीवर होता है। सेंडर जो चीज भी कम्युनिकेट करता है, जैसे हम सेंडर कहते हैं जी, मार्केटर को कह लेते हैं हम, मैन्युफैक्चरर को कह लेते हैं हम, सर्विस प्रोवाइडर को कह लेते हैं स्टूडेंट्स, और वट एवर दे पीपल आर ऑफरिंग इन शेप ऑफ वैल्यू, और दैट वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ दैट वैल्यू कैन बी जज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेस। तो उस चीज को, उसके बारे में एक मैसेज कन्वे होता है। आप देखें, बाज़ औक़ात कुछ जिंगल्स होते हैं जो कि बड़े यूनिक होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो डिंग डोंग च्युइंगम का जो एक जिंगल था स्टूडेंट्स, उसमें टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स जो थे वो चिल्ड्रन थे, तो उन्होंने उसको बड़ा फनी सा बनाया हुआ था स्टूडेंट्स। वो जो बच्चों की जो राइम्स होती है ना, उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने उसको बनाया हुआ था। इसी तरीके से किसी जगह के ऊपर कुछ डायलॉग्स या कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो बोली जाती हैं। जैसे अगर हम मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जो एक एडवर्टाइजमेंट, मेरा ख्याल है ये 2006-7-8 में कहीं ऑन एयर हुआ था, जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है, वो कहते हैं कि जी ये आपका बैंक, तो वो बच्ची बड़े इनोसेंट तरीके से कहती है मेरा भी तो है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि इस कम्युनिकेशन को किस हद तक इफेक्टिव किया जाता है। जब हम डिटर्जेंट पाउडर के केस में ये चीज देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व किया गया जी। जैसे ब्राइट एक्सेल ने स्प्लैश, अगर आप वो देखें ना, एक वो जैसे पानी का छींटा होता है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने उस वहां से कि जी दाग नहीं तो सीखना नहीं, उसकी पैकेजिंग भी, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी, और उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया स्टूडेंट्स कि डोंट स्टॉप योर चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग और फ्रॉम डूइंग सम क्रिएटिव एक्टिविटीज जी, बल्कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि जितने भी निशान वो कलरिंग में, वो कीचड़ या किसी भी वजह से वो कपड़ों के ऊपर लग जाएंगे, तो वो बहुत आसानी से साफ किए जा सकते हैं बाय यूजिंग सर्फ एक्सेल जी। अगर हम एरियल को देख लेते हैं तो वहां पर फिर हमें कुछ डिफरेंट सा सिनेरियो स्टूडेंट्स नजर आता है, जहां पर अगेन वो टारगेट ऑडियंस जैसे मिडिल क्लास को वो टारगेट करते हैं जी। और इसमें, इस केस में जैसे ब्राइट एक्सेल में, तो आप जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं उसमें वो डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं जी मदर्स को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, वो जो व्हील और बोनस की हम लोगों ने बात की थी, तो आज भी आप देखते हैं कि जो बोनस के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं जी, उसके अंदर जो टारगेट किया जाता है जी, वो प्राइस को किया जाता है और लोअर मिडिल क्लास को स्टूडेंट्स टारगेट किया जाता है। तो वो मैसेजेस स्टूडेंट्स कन्वे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिसीवर होता है जी, वो उसको किस तरीके से परसीव करता है। जैसे सेंडर होता है जी, वो इनकोड करता है मैसेज, वो मैसेज किसी भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट होता है जी। वो मीडियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और वो ईमेल्स के थ्रू भी, वो किसी भी तरीके से वो स्टूडेंट्स कस्टमर को या कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। और जो रिसीवर होता है स्टूडेंट, वो उस मैसेज को डीकोड करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन परसेप्शन जी, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन बैकग्राउंड, और उसकी बेसिस के ऊपर वो उस मैसेज को ट्रांसलेट करता है, और वो ये देखता है कि किस हद तक वो मैसेज उसको कन्विंस करता है या उसका कॉन्फिडेंस विन करने में मददगार साबित होता है। तो स्टूडेंट्स ये, अच्छा अब जैसे ऑल्पर्स की भी बात करते चले स्टूडेंट्स, एंग्रो फूड्स का जो एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी आप देखें कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसको टारगेट किया जा रहा है इस रमजान में, जो ऑल्पर्स का जो एडवर्टाइजमेंट ऑन एयर आ रहा है आजकल, उसको अगर आप देखें तो उसमें दो तीन जो लोग हैं जिनको लिया गया, उसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब का रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जिसके अंदर वो एक रिलीजियस और सेरेमोनियल जो एक एक्टिविटी है जी, उसके साथ उन्होंने उस प्रोडक्ट को रिलेट कर दिया है। तो खैर स्टूडेंट्स, अभी अब आइंदा आने वाले वक्त में जब आप भी इसको ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, जैसे 14 अगस्त के ऊपर 14th ऑफ अगस्त
जब हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं तो जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, मार्केटर्स हैं जी, वो कोशिश ये करते हैं कि वो ग्रीन कलर को हाईलाइट करें, उसको प्रोमिनेंट कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट मार्केटर्स और लोग। उसके अंदर स्टूडेंट्स आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जी, दैट इज मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशन जी। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद दिस मार्केटिंग कम्युनिकेशन की ये होती क्या है जी। टुडे इंक्रीजिंगली अकर एज अ डायलॉग स्टूडेंट। डायलॉग टू वे होता है जी, इसमें सेंडर और रिसीवर, ये इंटरैक्टिव होता है जिसको यूं कह लीजिए जी। एज टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर हैव इनेबल्ड द कंज्यूमर टू डायनामिकली इंटरैक्ट विद द कंपनी 24/7 किसी भी जगह के ऊपर। जैसे मैं आपसे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहा था कि ईमेल के थ्रू अप्रोच किया जा सकता है जी कंपनीज को, और उसका उन्होंने एक और शॉर्टकट निकाल लिया। उन्होंने कहा भाई आप ईमेल भी नहीं करें, आप डायरेक्ट जो भी आपकी रिजेंटमेंट है, जिस अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो तब भी, तो आप फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट कमेंट कर दें, पोस्ट उसके ऊपर कर दें जी, और वो उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर, दैट हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल आर। बाज ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, मैं इसमें या कहता चलूं वो मल्टीनेशनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है स्टूडेंट्स। वो इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जैसे ही कस्टमर की, क्लाइंट की, कंज्यूमर की कोई पोस्ट आती है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं जी, ईमेल को रिस्पॉन्ड किया जाता है। एंड देर आर फ्यू कंपनीज जो कि थोड़ी सी, तो नहीं कहना चाहिए बल्कि बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, उस चीज को इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो फिर बैड वर्ड ऑफ माउथ इट स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड डेफिनेटली इट क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन इन द मार्केट जी। तो इसके अंदर अगेन स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, जैसे एज अ डायलॉग, एज टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर जी। सबसे पहले तो बात करते हैं जी टेक्नोलॉजी की। तो ये 2006-07 से जब से हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स आए हैं स्टूडेंट्स, या जब से आप लोगों ने स्मार्टफोन्स का यूज शुरू किया, तो आप ये देखें कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसके अंदर आप अपने पासवर्ड सेव करके कॉन्टिन्यूसली यू केप्ट ऑन ब्राउजिंग फेसबुक, और उसके ऊपर ईमेल्स चेक होती रहती हैं डिफरेंट, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं जी किसी जगह के ऊपर, तो उसके ऊपर अपडेट्स आती चली जाती हैं जी डिफरेंट कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की, या उसको हम जैसे हमने मोबाइल मार्केटिंग की बात की थी जी, एम मार्केटिंग की किसी जगह के ऊपर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर या एम कम्युनिकेशन, तो मोबाइल कम्युनिकेशन के आपके पास जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है जी, उसको बड़ा इफेक्टिवली यूज करती हैं जी ऑर्गेनाइजेशन। दे केप्ट ऑन सेंडिंग देयर देयर प्रोमोशंस, देयर डील्स एंड यू नो न्यू अराइवल ऑफ प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी चीजें आपको मोबाइल के ऊपर उसको कन्वे करते चले जाते हैं स्टूडेंट। और जहां तक बात आती है जी सॉफ्टवेयर की, आप बहुत सारी वेबसाइट्स जब ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि द पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द हेल्प सेंटर, द पीपल हु आर अवेलेबल एट द हेल्प सेंटर जी, उनके साथ कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करते हैं जी, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूंगा, इंटरनेशनल में अगर आप देखते हैं तो जी पियर्सन जो आपकी जो बुक्स प्रेंटिस हॉल की जो है, अगर आपका कभी इत्तफाक हो तो स्टूडेंट्स डू विजिट द वेबसाइट ऑफ प्रेंटिस हॉल एंड यू विल फाइंड कि वहां पर आप 24/7 मींस के 24 आवर्स इन अ डे एंड 7 days इन अ वीक यू कैन इंटरेक्ट विद देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, नॉट राइटली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बल्कि उनके हेल्प डेस्क के जो लोग होते हैं जो आपको गाइड करते चले जाते हैं जी। आप कहते हैं कि जी ये पर्टिकुलर बुक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आपको फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट। अगर हम लोग नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो स्टूडेंट ये जुनेद जमशेद साहब का ये जो एक आउटलेट है हमारे पास, जो क्लोथिंग क्या उनका जो है, और जिसको उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया बाय ऑफरिंग फुटवेयर्स एंड परफ्यूम्स, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर आप ये देखें कि वो लोग भी ऑनलाइन उनके डायलॉग बॉक्स हैं, और उसके यू कैन केप्ट ऑन इंटरेक्टिंग विद द पीपल और यू कैन आस्क फ्यू थिंग्स। वो फिर उनका नॉर्मली ज्यादातर प्रोसीजर ये होता है कि वो आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जी वो ले लेते हैं आपसे, और फिर आपको उस पे कम्युनिकेट करते हैं या जिस तरीके से भी उन लोगों ने बात करनी होती है। तो ये बड़ी एक सॉफ्टवेयर, मैं इसको कहूंगा कि जी बड़ा कन्वीनियंट सा एक जो एक प्रोसेस है ये अडॉप्ट किया है जी ऑर्गेनाइजेशंस ने।
और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल्स के ऊपर, बल्कि डेफिनेटली लोकल लेवल के ऊपर भी इसके अंदर रिस्पांस होंगे। मैंने कुछ फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, द पीपल वर ऑफरिंग होममेड फूड, तो उसके अंदर पीपल केप्ट ऑन इंटरेक्टिंग विद द पीपल हु आर रनिंग दैट बिजनेस, और उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली अपडेट भी करते हैं जी। Have enabled the consumer to dynamically interact with the company 24/7 जी, ये है बात, this is regarding marketing communications की। Direct marketing की बात करते हैं कि जी direct marketing क्या चीज होती है जी। Use of consumer direct channels to reach and deliver goods and services to customers without using market middleman। स्टूडेंट्स, आपसे हम लोग पहले भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि मिडलमैन का जो रोल होता है वो बाज़फ़ा क्रिटिकल भी हो जाता है। थोड़ा सा रिकॉल करें ना, जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या मार्केटिंग चैनल्स की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कोशिश ये होती है कि वो जो मिडलमैन है उनका जो रोल है जी उसको कम से कम किया जा सके, बल्कि वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मैं एग्जाम्पल आपसे अक्सर शेयर करता हूँ उसमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जैसे टॉप्स के केस में हुआ स्टूडेंट्स कि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से कर ली कि उन्होंने फ्रूट फॉर्म्स अपने स्टार्ट कर ली। सेवर फूड्स, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले आप सब लोगों को पता होगा जी, आइडिया होगा व्हाट दे डिड, कि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरह से की, राइस प्रोसेसिंग जो मिल है उन्होंने वो स्टार्ट कर दी। और वो जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की है स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं तो जो चनाब फैब्रिक्स वाले हैं जी, उन्होंने क्या किया, चैनवन के नाम से आउटलेट बना लिया। टेक्सटीलियन वालों ने जी अपना आउटलेट बना लिया। इसी तरीके से आप ये देखें हैंगटन वालों ने, बाटा सर्विस, ये सब लोगों ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हुई है। और उस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इलिमिनेट कर देते हैं स्टूडेंट्स रोल, जो मिडलमैन का रोल होता है, उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ये पैसे बच जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनका बढ़ जाता है, और डेफिनेटली कस्टमर को या कंज्यूमर की को उसको सेटिस्फाई करने में इट बिकम्स क्वाइट इजी स्टूडेंट्स, आसान भी हो जाता है। और डेफिनेटली जब डिपेंडेंस जितनी ज्यादा कम होगी जी, उतनी ही ज्यादा वो जो बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू सम डायरेक्ट मार्केटिंग जी। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये कहता चलो, मिडलमैन को एलिमिनेट करने का ये मतलब नहीं है कि सबकी सब ऑर्गेनाइजेशन से मिडलमैन को एलिमिनेट कर दें, बड़ा मुश्किल सा काम होता है स्टूडेंट्स, यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इससे पहले भी हम लोग अपने लेक्चर्स में इसको करते आए, वो है जी सेल्फ म्यूनिफिसेंट जी, आपको सेल्फ सफिशियंट होना पड़ता है जी, रिसोर्सेज आपके पास इतनी होनी चाहिए। और रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास पैसे जी, रिसोर्सेज आपके पास वो हम लोग बात करते हैं ना जी, देर आर फोर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें एक हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जी, जिसमें हमारे पास मशीनरी आ जाती है, वो तमाम आइटम्स जो, वो तमाम चीजें जो फिजिकल इन नेचर होती हैं जी, एक तो वो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज की काइंड होती है, एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स। और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं, जितने भी लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, खा वो टेक्निकल साइट के ऊपर हो जी, वो किसी जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर हो, और वो कोई भी काम कर रहे हो जी, वो दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज जी। थर्ड जो हमारे पास टाइप है जी, दैट इज इंफॉर्मेशनल रिसोर्स जी, इंफॉर्मेशन को, यस स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को एज ए रिसोर्स कंसिडर किया जाता है जी। वी आर जस्ट रिपीटिंग, बट हम आपको, हम उसको रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग फॉर यू पीपल, तो वो जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के जी, जिसके अंदर सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन होती है जी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसपोर्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास अपने कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन के अलावा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स हो रही है उनकी इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं जी उनकी इंफॉर्मेशन होती है। व्हेन अ कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट और होल एज अ होल वो उस मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली दे नीड टू लुक कि जी किस तरीके से वो जो लोग हैं जी किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो कोहाटी चप्पल है जी, या हमारे जिसको हम पिशावरी चप्पल भी कहते हैं, सैंडल्स होते हैं, दे आर वेल कॉपीड बाय अ यूरोपियन कंपनी जी, और वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 150 और 200 पाउंड्स के अंदर दे आर ऑफरिंग दैट दो सैंडल्स।
और उसके ऊपर आजकल फेसबुक के ऊपर भी काफी सारे लोगों ने उसको शेयर किया था। तो आप देखें कि लोकल मार्केट से किसी चीज को कैसे कॉपी किया जाता है और उसके बाद उसको कैसे मार्केट किया जाता है। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर, ये स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारे पास जो काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वो डेफिनेटली जो पैसों से रिलेटेड ही है स्टूडेंट्स, दीज आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि जी कितने पैसे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, कितने तगड़े हैं वो लोग जी, किस तरीके से अपने जो उनके शेयर होल्डर्स हैं जी, उनको पैसे डेफिनेटली जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड उनके साथ शेयर करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे जी वो उसमें, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी तो डेफिनेटली न सिर्फ ये कि वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो अपनी करंट प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं जी, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जी उस चीज की मदद से। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट्स कि इन ये जो फोर रिसोर्सेज हैं जी, इनको हमें कंबाइन करना पड़ता है। देयर इज अ बैंक इन पाकिस्तान, मैं उसका नाम लेना यहां पर मुनासिब नहीं समझूंगा जी, एक वक्त में पता ये चला कि जी उनके बहुत सारे फंड्स जो थे वो आइडल थे जी, दे वर नॉट यूजिंग दोज फंड्स जी। और वो किसी भी वजह से, वो क्या होता था कि उस उन फंड से जो अपॉर्चुनिटी उनको जो अवेल करनी चाहिए थी जी, वो लोग नहीं कर रहे थे। सो व्हाट दे डिड दैट दे स्टार्ट सम, दे जंप्ड इनटू दिस कंज्यूमर मार्केटिंग, और उन्होंने कोशिश ये किया कि जी हम मॉर्टगेज फाइनेंस शुरू करते हैं। और मॉर्टगेज फाइनेंस जब उन्होंने शुरू किया तो उनका जो कंपेटिटिव एडवांटेज था कि उनका जो इंटरेस्ट रेट था जी स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा कम था जी। तो उसमें कुछ लोगों ने कोशिश की कि उन्होंने वो उनके साथ वो मॉर्टगेज फाइनेंस लेकर उसको चीज को कर सकें। बट दिस इज एन एग्जांपल कि ये आपके पास रिसोर्सेज का होना, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, और उन रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यूज करना स्टूडेंट्स, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। तो कुछ जगहों के ऊपर रिसोर्सेज को जो है वो मिस यूज भी होते हैं, या वो ऐसा होता है कि जी वो मिसमैनेज भी होते हैं, या वो यूज नहीं कर पाते जी लोग। तो फिर आप देखें कि जैसे ही आप लोग उसमें जो होता है जी, ह्यूमन रिसोर्स की हम लोग बात कर रहे थे, जितने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स आपका क्रिएटिव होगा, जितना ज्यादा डायनामिक होगा जी, जितना ज्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होगा जी, उतना ही ज्यादा फिर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम गेन कर सकती है जी, और वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी को आप, कोई भी इदारा जो है वो उसको एक्सप्लोर करता है और वो उसको फुली कैपिटलाइज नहीं कर पाता जी, फुली उससे फायदा नहीं उठा सकता मुकम्मल तौर पे अगर ना उठा सके तो क्या होता है कि जी दूसरे लोग, द अदर पीपल जंप इनटू दैट बिजनेस, और वो उसको क्या करते हैं जी, उसको अपनी फेवर में किसी तरीके से कर लेते हैं। तो खैर, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डायरेक्ट मार्केटिंग जी। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स जी, क्या क्या चीजें, द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग जी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सपोर्ट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग एफर्ट्स विद कंज्यूमर, अलाउज फॉर मोर इंडिविजुअल टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन वर्सेस मैस मीडिया जी। ये डायरेक्ट मार्केटिंग के दीज आर द बेनिफिट्स। एक तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है, मिडल मैन के ऊपर डिपेंडेंस, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि जब ये जो ऑयल कंपनीज हैं जी, दे नीड टू रिलाई, उनका थोड़ा सा ये होता है कि ये रिलाई करते हैं आउटसाइडर ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं जी, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो अगर किसी जगह के ऊपर वो स्ट्राइक कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारे का सारा जो जो प्रोडक्ट का एक फ्लो बना हुआ होता है जी, वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से फिर जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो सफर करता है जी। लेकिन अगर ये डिपेंडेंस कम से कम है तो डेफिनेटली इट बिकम्स कन्वीनियंस फॉर कस्टमर और कंज्यूमर। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जी, यू केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग। अगर आप खुद से बिजनेस में, जैसे बाटा सर्विस की हम लोग बात कर लेते हैं, या हम लोग टेक्सटीलियन चैनवन की बात कर लेते हैं, या हम लोग और बहुत सारे इदारों की, तो क्या करते हैं कि दे केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग देयर, वो एक बम्बार्डमेंट होती है जी इन्फॉर्मेशन की, कस्टमर की, कंज्यूमर की, उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिर डिटरमिन करते हैं। और ये बड़ा टेक्निकली इसको मेजर करते हैं कि किस तरीके से इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सके कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके कस्टमर या कंज्यूमर के ऊपर हो जाए। जैसे हमारे पास यहां पर कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि यार ये सर दर्द बन गया भाई, ये हर जगह के ऊपर एडवर्टाइजमेंट प्ले, वी डोंट वांट टू सी दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट जी, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोडक्ट में।
सो क्या होता है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो जाता तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर या उसके ब्रांड के जो इमेज है जी उसके ऊपर पड़ जाता है. सपोर्ट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग एफर्ट्स विद कंज्यूमर डेफिनेटली जी इट्स वेरी इजी. क्या होता है कि जी आप वो लॉयल्टी कार्ड्स या आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अच्छा सर इसकी एडजस्टमेंट करनी है अगर आप कोई क्लोथ परचेज करने जा रहे हैं या आप कोई और चीज हो कहते हैं अच्छा जी सर कैन वी हैव योर मोबाइल नंबर. हमारी जो डिफरेंट प्रमोशंस आती रहती हैं हम आपको उसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे तो वो फिर कंपैरेटिवली आसान हो जाता है जी. तो उसके अंदर फिर आपके पास एक डेटाबेस बन जाता है कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का एंड यू केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स अबाउट द प्रमोशन और अबाउट द न्यू अराइवल ऑफ प्रोडक्ट्स. ये अलाउज फॉर मोर इंडिविजुअल टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन वर्सेस मैस मीडिया. बजाय इसके कि आप मैस मीडिया के ऊपर एक चीज को एडवर्टाइज किए जा रहे हैं जी वो फिर आप पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज देते हैं या आपके नाम से मैसेज आ जाता है कि रिस्पेक्टेड मिस्टर एक्स वाई जी सो वी आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और वो सारी चीजें. वो लेटर भी आ सकता है जी वो मैसेज भी आ सकता है वो कोई भी चीज हमारे पास किसी भी तरीके से कम्युनिकेट की जा सकती है जी. डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स जी मुख्तलिफ इसके अंदर कैटेगरीज हैं जी. लेट स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मेल जी. कैन टारगेट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज और स्पेसिफिक टू वन कंज्यूमर दैट इज स्टेट सेक्शनल सेंटर फर्स्ट थ्री डिजिट्स ऑफ जिप कोड जिप प्लस फोर और स्पेसिफिक मेलिंग एड्रेस जी. अच्छा हमारे यहाँ ये जिप कोड इन्होंने लिखा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर पोस्टल कोड यूज किया जाता है स्टूडेंट. जैसे इस्लामाबाद का है जी 44000 है मेरे ख्याल रावलपिंडी का भी 46000. तो वो क्या होता है कि वो पोस्टल कोड से वो कहते हैं कि जी हम कस्टमर्स की या सिटीज के या स्टेट्स के ऊपर डिफरेंट लोगों को वो कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. दे केप्ट ऑन सेंडिंग लेटर्स टू देम कि भाई ये वी आर ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. बल्कि अब एक थोड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज को बहुत इंटेलिजेंटली वो हैंडल कर रहे हैं. वो क्या करते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो वो स्टूडेंट्स की जो उसके अंदर जो अच्छे हाई अचीवर्स होते हैं जो उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड दे सेंड अ पर्सनलाइज लेटर टू देम और उनको कहते हैं जी हमारा कॉलेज जो है ये डिग्री ऑफर कर रहा है और आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं उसके ऊपर हम आपको इतना फी वेवर दे रहे हैं और वैसे फी ये है उसके. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली फैसिलिटेट द कस्टमर्स के बजाय इसके कि वो डिफरेंट 3-4-6 कॉलेजेस को देखे जी. वो एक जब उसको उसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाता है तो वो फिर थोड़ा सा एक रेफरल पावर होती है कि जी रेफरेंट पावर होती है कि वो डिफरेंट लोगों से डिस्कस कर लेते हैं दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन. खैर ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि इन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है जी. लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू कैप्चर एंड एनालाइज कंज्यूमर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स ऑफ डेटा टू डिलीवर मोर पर्सनल कम्युनिकेशन. ये अभी आपसे बात कर रहे थे जैसे क्रेडिट कार्ड्स यूज किए जाते हैं जी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर या आप कस्टमर से कहते हैं अच्छा सर कैन यू प्लीज फिल अ वेरी सिंप्लीफाइड जो फॉर्म होता है जी जिसमें वो नाम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं ईमेल लिख देते हैं स्टूडेंट्स या आपके पास ईमेल एड्रेस के अलावा आपका जो ग्राउंड मेल एड्रेस होता है जी वो उसको मेंशन कर देते हैं एंड देन यू कैप्ट और इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर और कंज्यूमर और फिर आप फ्रीक्वेंटली उनसे बात करते रहते हैं जी और उनको कम्युनिकेट करते रहते हैं स्टूडेंट. देन कम्स जी कैन क्रिएट डिफरेंट मार्केटिंग कंपेन्स फॉर करंट कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स जी. हम ये बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स के जो करंट कस्टमर्स होते हैं करंट कंज्यूमर्स होते हैं जी इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन दोज कस्टमर्स फर्स्ट. आप ऐसा ना करें कि भाई जो आपके जो मौजूदा कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हैं आप उनको छोड़ के नए को मार्केट पता चला कि आपने ज्यादा कॉस्ट इनकर कर दी. तो आप करंट कस्टमर्स को जब सेटिस्फाई करते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जी वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे स्टार्ट स्प्रेडिंग. वो फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों से कि जी दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बेस्ट कि जी वो फलां रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है जी फलां लॉयर बहुत अच्छा है फलां बैंक बहुत अच्छा है वो जी फलां जो हमारे पास जो जो इसका है जी गारमेंट्स का जो आउटलेट है जी दैट इज वेरी गुड फलां फुटवेयर्स का आउटलेट बहुत अच्छा है जी इंश्योरेंस कंपनीज का अच्छा जी डू यू वांट टू बाय इंश्योरेंस. अच्छा भाई मैं आपको ना फलां की इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको एक कॉन्टैक्ट देता हूँ या आपका नंबर मैं उनको दे दूंगा दे विल कॉल यू दे विल कम टू यू.
बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो ये क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस का इसी तरीके से वो चलते हैं कि वो एक कस्टमर को मार्केट करते हैं, उनको कहते हैं अच्छा जी आप जरा काइंडली मुझे अपने किसी दोस्त का, भाई का, किसी रिलेटिव का आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट देम एंड वी कैन अप्रोच देम एंड वी कैन शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू देम कि भाई ये चीज उनके साथ किसी तरीके से शेयर की जा सके जी, और हम ये कोशिश करें कि जी उनको भी फायदा पहुंचाएं। नेवर वर, अच्छा प्रोस्पेक्ट्स की जब बात करते हैं जी, नेवर वर अ कस्टमर और आर एन एजेड कस्टमर विद नो रिसेंट एक्टिविटी जी। ये भी बाज़ औकात ये हो जाता है कि जब व्हेन पीपल गेटिंग ओल्ड तो जी वो बाज़ औकात किसी दे स्टॉप स्पेंडिंग जी, तो उनको भी मार्केट करके चीजों को दे आर वेरी गुड के जी वो इन शेप ऑफ गिफ्ट्स दे सकें या वो अपने यूज के लिए ले सकें। और इसके अंदर ये जो है ना जी, नेवर वर अ कस्टमर, तो कभी क्लाइंट ने वो चीज परचेज ही नहीं की, उसको उस ब्रांड का आइडिया ही नहीं है जी, उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अप्रोच करते हैं, दे स्टार्ट स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, और वो बताते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि वंस ही और शी यूज दैट प्रोडक्ट जी, अवेल दैट सर्विस, तो वो योर परचेज दैट गुड, तो वो फिर आपका एक परमानेंट कस्टमर भी बन जाए। रिटेंशन स्ट्रेटजी की बात करें जी, इज यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर द लेटर के जी। करंटली ये फोकस होता है कि किस तरीके से रिटेन करें जी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। आप बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरा अकाउंट ओपन कर दें, वो कहते हैं अच्छा भाई आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से जी, मैं फलां ऑर्गेनाइजेशन से, आपने लेटर दे दिया, दे ओपन द अकाउंट, देन दे स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू यू। कहते हैं अच्छा सर ऐसा कीजिए कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जी, हम आपको लिमिट दे देते हैं जी, हम आपको उसके ऊपर वो जो उसकी एनुअल फी है वो वेव कर देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि अच्छा सर हम हाउस लोन देते हैं जी, हम कार लोन भी देते हैं जी, उसके अलावा वो कहते हैं सर हम पर्सनल लोन भी देते हैं जी, हम इसके अलावा और वो दुनिया जहान की जो प्रोडक्ट्स हैं जी, दे स्टार्ट शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद यू। और फिर आप क्या होता है कि जी आप देने तो अकाउंट गए तो थे कि आप अकाउंट ओपन करवाएं, और जब बाहर आते हैं तो आपके पास 3-4-6 प्रोडक्ट्स जो है वो उस वक्त तक आपको दे चुके होते हैं जी। एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजीज आर यूज फॉर द लेटर, डेफिनेटली जी ये बात के लिए होता है, डेफिनेटली इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जी, और लोग इसके अंदर ज्यादा उनको एनर्जी इसके अंदर लगानी पड़ती है, सो दैट्स वाई उन्होंने कहा जी वो बात के लिए। देन कम्स जी सेकेंड हमारे पास जो क्लॉज है या पॉइंट है जी, ईच बिजनेस वर्टिकल मार्केट हैज बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट मेल जी। उन्होंने कहा जी जो सबसे अच्छा जो तरीका कार है जी कि आप डायरेक्ट मेल लोगों को कर दीजिए जी, ईमेल कर दें, ग्राउंड मेल के थ्रू कर दें, उनको अप्रोच करें, उनको उनके साथ अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, अपनी गुड्स की इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू जी। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू मेजर लाइफ टाइम वैल्यू एंड वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट्स जी। अच्छा ये अगेन वो अभी हम आपसे जो बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लाइफ टाइम वैल्यू जी, जैसे हम मैं आपसे अक्सर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट को कि 2 या 3 जनरेशन जो हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाते हैं और वो कहते हैं जी 65 ईयर्स और 100 ईयर्स और 85 ईयर्स और 150 ईयर्स वो कहते हैं कि जी वी आर इनटू दिस मार्केट सिंस सो लॉन्ग, हम जी आज से 150 साल से हैं जी, हम जैसे कोका कोला थे इट वाज एस्टैब्लिश इन 1890s में आपसे बात हुई थी जी, उस वक्त एस्टैब्लिश हुआ, उन्होंने कहा जी 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, जब 100 साल से ज्यादा हो गए हैं तो हमने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हमें ज्यादा है, तो हम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से बैंक्स को देख लीजिए, वो कहते हैं कि जी हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपकी नीड्स को हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। इसी तरह के तरह से आप क्लोज को देख लीजिए, आप कार्स को देख लीजिए, तो बाज़ औकात वो हाईलाइट करते हैं इसके जी वी आर अ वेरी ओल्ड कंपनी और हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस को हम लोग सेटिस्फाई कर चुके हैं, एंड अगेन नाउ वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई यू, तो वो अपने नाम का जी भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और यहां पर यही बात की जी लाइफ टाइम वैल्यू जी, जैसे वॉल्क्सवैगन की बात करते हैं, जैसे रोल्स रॉयस की बात करते हैं, जैसे रोलेक्स की बात करते हैं,
जैसे स्टूडेंट्स और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था जी, वो जो कैट फुटवेयर्स है उसकी मैं बात कर रहा था, तो कहते हैं जी बहुत पुराने हैं ये, पता नहीं कब से चल रहे हैं जी, और स्टिल वी आर यूजिंग दैट, तो वो लाइफ टाइम वैल्यू हो जाती है जी, एंड वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट्स जी, वो फिर एक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जी यंग जनरेशन के ऊपर, या उनके जो जो नेटवर्किंग में लोग होते हैं जी, उसके ऊपर बड़ा उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है जी, वो फिर कहते हैं कि जी ये वो उसके बारे में अपना जो ओपिनियन है जी उसको वो शेयर करते हैं। देन स्टूडेंट्स देर इज अनदर काइंड ऑफ मार्केट, दैट इज दी कैटलॉग मार्केटिंग जी, ये भी खैर अभी स्टार्ट हुआ है। यूज ऑफ प्रिंट टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स जी, कैन बी सप्लीमेंटेड बाय इन स्टोर मर्चेंडाइज इफ कैटलॉगर हैज रिटेल प्रेजेंस जी, एंड वो जो ब्रेक एंड क्लिक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जैसे आप ये देखते हैं कि अक्सर आपके घरों के अंदर वो जो एक कैटलॉग आ जाती है जी, वो मेट्रो से आ जाती है, या आपके सराउंडिंग्स में जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जी वो फेंक जाते हैं। ये यूं होता है कि जैसे ही आप स्टोर के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है जी, और वो आपके हाथ में एक ब्रोशर कह लीजिए कैटलॉग पकड़ा देता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी दीज आर द प्रोडक्ट्स, और उसके ऊपर हम क्या जो प्राइस है जी वो किस प्राइस में वो ऑफर कर रहे हैं जी, और ये बात ये कहते हैं जी कैन बी सप्लीमेंटेड बाय इन स्टोर, जो हमने बात की थी ना जी ब्रिक एंड क्लिक, कि इन स्टोर भी प्रेजेंस है आपकी और आप ऑनलाइन भी ऑफर करते हैं, सो इट सोली डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन जी। कैटलॉग्स कैन बी कस्टमाइज्ड एट इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल जी, ये भी एक चीज आ जाती है। बिजनेस टू बिजनेस कैटलॉग मार्केटिंग सपोर्ट्स पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स जी, ये बिजनेस टू बिजनेस ये बी टू बी मार्केटिंग कहते हैं जी इसको, बी टू सी मार्केटिंग एक होती है, एक बी टू बी मार्केटिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं। बी टू बी मार्केटिंग की जो बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोगों ने शेयर की थी जी, वो कौन सी थी कि जिसमें ये जो एयरक्राफ्ट सेल किए जाते हैं जी, एरोप्लेन्स, जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन सेल किसको करता है जी, स्विस एयर को कर देता है जी, सिंगापुर एयरलाइन को बोइंग दे देता है जी, एयरबस भी देता है इनको। अच्छा वो क्या होता है कि जी वो जो टूरिज्म ओरिएंटेड जो कंट्रीज होती हैं वो क्या होता है कि वो उसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और वो आफ्टर 7, 10, 12, 14, 20 साल के बाद वो कहते हैं अच्छा भाई वी डोंट नीड दिस एयरक्राफ्ट नो मोर, तो हम क्या करते हैं, हम एक नया जो वर्जन होता है, नया मॉडल होता है जी, उसको परचेज कर लेते हैं, और वो फिर कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री का जो कोई एयरलाइन है जी, या कोई और एयरलाइन जो है कंपैरेटिवली जो लेस डेवलप्ड होती है जी, वो कहती है ठीक है जी आप हमें दे दीजिए और हम इसकी मेंटेनेंस करके हम इसको यूज कर लेंगे जी। तो स्टूडेंट्स बी टू बी मार्केटिंग की दिस इज एन एग्जांपल। कन्वेयर बेल्ट्स की हम लोगों ने बात की थी कि जी वो कन्वेयर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, बाद में एयरपोर्ट्स को सेल की जाती हैं, या सीमेंट फैक्ट्री को सेल की जाती हैं, या ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर की जाती हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज बिजनेस टू बी टू बी मार्केटिंग, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग स्टूडेंट्स। ये जितने भी हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जी, वो फुटवेयर हैं, वो क्लोथ हैं, वो गारमेंट्स हैं, जब हम लोग अपने यूज के लिए, स्टेशनरी है, लैपटॉप्स हैं स्टूडेंट्स, जब हम लोग मार्केट से अपने यूज के लिए जाके खरीदते हैं, दैट इज नोन एज बी टू सी मार्केटिंग जी। बिजनेस टू बिजनेस कैटलॉग मार्केटिंग इज चैलेंज बाय फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्सेस कंज्यूमर रेजिडेंशियल मूवमेंट विच कैन बी ट्रैक्ड बाय एंसिलरी प्रोसेस सच एज अ नेशनल चेंज ऑफ एड्रेस जी। वो कहते हैं ये जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होती है जी, जब एक इदारे से दूसरे इदारे में जाते हैं जी, तो वो फिर एक इंफॉर्मेशन अपने साथ होल्ड करके जाते हैं, या इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी करके जाते हैं, कि जिसमें वो ये करते हैं कि जी वो शेयर करते हैं दैट हु कैन बी द सप्लायर्स, और किस तरीके से हमें क्या चीज कहां से मिल सकती है जी, वर्सेस कंज्यूमर रेजिडेंशियल मूवमेंट जी। ये भी एक अच्छी चीज उन्होंने बताई कि जी वो अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर रहे हैं तो वहां पर भी देखा जा सकता है कि नई जगह के ऊपर क्या, जैसे अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने वो देखा होगा जी, बहुत सारे हमारे पास जो नए एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं जी, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल होता है जी वो अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स, तो वो उसके अंदर पीपल स्टार्टेड बाइंग दैट मटेरियल जी, वो फिर उसको उसमें एक हमारे पास चीज विच कैन बी ट्रैक्ड वाया एंसिलरी प्रोसेस सच एज नेशनल चेंज ऑफ एड्रेस जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेली मार्केटिंग, ये स्टूडेंट्स टेलीफोन और
जो कॉल करके जैसे यूज ऑफ टेलीफोन टू अट्रैक्ट प्रमोट सेल एंड सर्विस कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस. अच्छा, इसको यूज किया जाता है जी. अब थोड़ा सा दौर मजीद तरक्की कर गया स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक रिकॉर्डेड कॉल होती है. स्टूडेंट आपको कॉल आ जाती है, वो कॉल अटेंड करते हैं तो पता चला कि जी वो आपके किसी सेलफोन सब्सक्राइबर की तरफ से आई और वो आपको ये बताते हैं अच्छा भाई ये हमारी ये प्रोडक्ट्स है और आप जिस किसी को भी परचेज करना चाहे किसी जगह के ऊपर आपको कॉल सेंटर से भी कॉल आ जाती है जी. वो आपको कहते हैं कि जी ये क्रेडिट कार्ड है, ये हमारे पास मॉर्गेज फाइनेंस है या ये हमारे पास पर्सनल फाइनेंस है, इस किस्म की चीजें आ जाती हैं. देन कम्स जी रीसेंट लेजिस्लेशन प्लेसेस कंस्ट्रेंट्स ऑन हु मे बी सॉलिसिटेड डू नॉट कॉल लिस्ट. अब ये थोड़ा सा अगेन जब बहुत ज्यादा ये चीज स्टार्ट होगी जी आगे चल के इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है जी किसी जगह के ऊपर टेली मार्केटिंग का, तो फिर उसके अंदर आ गया जी देर आर फ्यू पीपल हु स्टॉप द पीपल के जी प्लीज डोंट कॉल मी, मुझे मत कॉल कीजिए. जैसे अक्सर जगहों के ऊपर आपने देखा होगा कि नो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर अलाउड टू एंटर द प्रीमिसेस, ये तो वो लोग फिर पीपल डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स. इनबाउंड टेली मार्केटिंग रिसीव कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स जी कि वो लोग जो आपका प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं जी. जैसे हम यूं समझ लीजिए कि हमारे घरों में जो मीडिया आता है जो केबल ऑपरेटर्स हैं जी, अगर इनका कोई कंपेटिटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे जी, देन वी स्टार्ट कॉलिंग देम. अच्छा भाई आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप ये बताएंगे कि आपने इसको मार्केट किया है, सो वी वांट टू वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर प्रोडक्ट. जैसे आप ये इंटरनेट उसके अंदर कनेक्शंस के केस में करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जी वो उसको इनबाउंड टेली मार्केटिंग कहते हैं जी. ये काफी सारा कॉमन है. या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जी उनका कोई इश्यू होता है, या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं जी उनके साथ कोई मामला होता है. आउटबाउंड टेली मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट कॉल टू द कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स जी, उनको कॉल करते हैं जी ठीक है भाई हम वी आर ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. ये बैंक्स के केस में, ये इंश्योरेंस कंपनीज के केस में काफी ज्यादा कॉमन है. इसी तरीके से कुछ जो अच्छे जो क्लोदिंग के जो ब्रांड्स हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी ये चीज शुरू की है दैट दे केप्ट ऑन कॉलिंग द कस्टमर्स कंज्यूमर्स के भाई वी आर ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. ये टेली मार्केटिंग फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, दीज आर फोर टेली मार्केटिंग फंक्शंस जी. सबसे पहली चीज आती है जी टेली सेल्स, टेक ऑर्डर्स, ओपन और मैनेज कस्टमर अकाउंट्स. ये सबसे पहली तो चीज ये आ जाती है जी कि आप ऑर्डर लेते हैं या कस्टमर्स का अकाउंट ओपन करते हैं जी. आप कह देते हैं कि जी वो जो एक्स वाई जी पान शॉप है उसका अकाउंट ओपन हो जाता है जी पाकिस्तान टोबैको कंपनी में, आप ये कह दीजिए. या किसी जगह के ऊपर हम ये कहते हैं कि मेट्रो कैश एंड कैरी जो है वो अकाउंट ओपन कर लेता है कि भाई ये जो यूनिलीवर के डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके पास, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिफरेंट ब्रांड्स पड़े हुए हैं जी, तो वो उसका एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि हाँ जी इनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास, किसकी क्या क्वांटिटी, किस प्राइस के ऊपर हम लोगों ने ली है. सो ये एक टेली सेल्स आ जाती है जी. टेली कवरेज आ जाती है जी, कॉलिंग ऑफ कस्टमर्स टू सस्टेन और इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप्स जी. दे केप्ट ऑन कॉलिंग देम कि सर ये आपने हमारी रिसेंटली ये सर्विसेज अवेल की हैं जी, आर यू सेटिस्फाइड विद दो सर्विसेज जी, आप हमें उसके बारे में एक फीडबैक दे दें. अच्छा ये जो टेली कवरेज है स्टूडेंट्स, मैं इसमें आप ये कहूंगा कि वो जो पाकिस्तान में जो 1122 हम लोगों के पास है जी, उसके अंदर दे यस दे आर यूजिंग इट वेरी इंटेलिजेंटली जी, कि आप जब भी उनकी कोई सर्विस अवेल करते हैं तो फौरन से ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू रिसीव अ मैसेज कि भाई वो मैसेज आपके पास आता है, वो कहते हैं जी वेदर यू आर सेटिस्फाइड और वो जो रिक्वायर्ड टाइम के अंदर था या नहीं था, और उसके अंदर आप अपना ओपिनियन दे सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर सर्विसेज, या वो जो कुछ लूपहोल्स रह गए जिसको फिलअप कर सकें जी, वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से करें. देन कम्स जी टेली प्रोस्पेक्टिंग जी, जेनरेट एंड क्वालिफाई न्यू लीड्स ईदर बाय फोन और अनदर चैनल जी. नए लोगों को प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं जी, नए लोगों के साथ शेयर करते हैं और कोशिश ये होती है कि जी वो उसको किसी तरीके से खरीद लें. कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट, डेफिनेटली आपका बिल नहीं आया है, बिल ज्यादा आ गया है, उसको एक्सटेंशन आपने करानी है, रिन्यू करवाना है, या टेक्निकली आपके प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जी वहां पर भी हम लोग उसको कह सकते हैं जी, वो टेली मार्केटिंग के थ्रू ही ये चीजें होती हैं. देन कम्स जी अदर मीडिया फॉर डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ जाता है. न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स कैन ऑल्सो कंटेन रिस्पॉन्स कार्ड्स
टू बी प्लेस्ड इन मेल्स जी। अच्छा, न्यूज़पेपर्स के अंदर होता है कि जी आपके घर न्यूज़पेपर आया तो पता चला कि वो डेल वालों ने उसके अंदर अपना एक फ्लायर डाल के भेज दिया। आपको ये पता चला कि किसी और कंपनी ने, एक्स वाई जी कंपनी, उसके अंदर आप उस फ्लायर को देखते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन कर लेते हैं जी। कैन ऑल्सो कंटेन रिस्पॉन्स कार्ड्स टू बी प्लेस्ड इन। अच्छा, रेडियो जी बात हुई थी आप लोगों से डे ब्रांडिंग की, स्टूडेंट्स कि आप डे ब्रांडिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जी, और वो जो होस्ट होते हैं जी दे कैप्ट ऑन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स जी, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है जी। दोबारा से मैं आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान में जब से ये जो FM आया जी, इसकी बात से आप देखें बहुत बड़ा रेगुलेशन आया जी उस रेडियो के जो मीडियम को जी बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स TV एडवर्टाइजमेंट्स जी, TV इंफोमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स इफेक्टिवनेस इनहेंस्ड बाय वेब एड्रेस एज वन वर्ड मे बी सफिशियंट फॉर कंज्यूमर रिकॉल वर्सेस 10-digit फोन नंबर जी। ई मार्केटिंग, अच्छा ये एक चीज वेरी गुड दिस इज जी। वो बाजुकात बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया कि वो जो डिजिट्स उन्होंने लिए ना, उसने उसका वर्ड ले लिया जी। जैसे आप अगर अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी देखते हैं या अगर आप किसी और जगह के ऊपर भी, तो अब तो खैर ये स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन अभी भी जो PTCL के यूज होते हैं तो उन्होंने उसमें जैसे 1 स्टैंड फॉर ABC, ठीक है, 2 स्टैंड फॉर ई क्या होगा जी DEF, तो वो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो नंबर्स परचेज कर लेते हैं जी, और वो जब नंबर्स परचेज करते हैं या जो नंबर भी वो लेते हैं तो वो उसको इस तरीके से लेते हैं कि उस कंपनी का नाम बन जाता है, उस प्रोडक्ट का नाम बन जाता है जी। तो ये एक चीज आ जाती है, और जब जो कस्टमर्स होते हैं जी, जब उसको देखते हैं, देन इट बिकम्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड और टू मेमोराइज दैट पर्टिकुलर नेम जी। बिलबोर्ड्स इफेक्टिवनेस इनहेंस्ड बाय वेब एड्रेसेस एज वन वर्ड मे बी सफिशियंट फॉर कंज्यूमर रिकॉल वर्सेस 10-digit फोन नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जी। बजाय इसके कि आप ये कहते हैं जी 0800 और ये वो सब फोन, एक वर्ड आप छोटा सा दे देते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें कि PTCL के जो सेट्स हैं जी, उसके ऊपर बल्कि कॉर्डलेस के ऊपर भी, जैसे वेंस 1 स्टैंड्स फॉर ABC, 2 स्टैंड्स फॉर DEF, तो क्या होता है कि वो नाम से ऑर्गेनाइजेशंस को परचेज कर लेती हैं, और वो फिर बहुत आसान होता है कि आप जब उसको देखते हैं तो फौरन से एक चीज जहन में आ जाती है कि जी दैट इज, वो उसको रिकॉल कर लेते हैं या उसको जहन में रख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बिलबोर्ड्स अगेन, उसके अंदर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, या अगर नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली पढ़ेंगे जी परसेप्शन के बारे में। तो अगर मैं कोका कोला के एडवर्टाइजमेंट आपसे शेयर करूं कि जी वो जब बॉटल के अंदर से डिफरेंट कलर्स निकल रहे होते हैं, दीज आर कलर्स ऑफ लाइफ, और वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ जब पूरे बिलबोर्ड के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं या फैलते हैं, तो वो बड़ा पॉजिटिव इमेज बनाते हैं जी कस्टमर या कंज्यूमर के जहन में स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से जैसे मैं दोबारा से बात करेंगे जी पेप्सी की, हम लोगों ने बात की थी ना कि वो यंग कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, तो उसके अंदर किसी भी यंग जो सेलिब्रिटी है जी उसको लेते हैं और उसके एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं जी, जिसकी वजह से, और वो दिखाते हैं जी वहां पर बिलबोर्ड के ऊपर एक तस्वीर दिखा देते हैं, तो उसका बड़ा एक अच्छा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है। देन कम्स जी ये जो ई मार्केटिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जी, ये बड़े इसको ये बहुत अच्छे से हो रहा है जी। आप ऑनलाइन ना सिर्फ ये कि चीजों को देख सकते हैं, आपके पास ईमेल भी रिसीव हो जाती है जी, आपके पास मैसेजेस भी आ जाते हैं, तो ई मार्केटिंग का जो टूल है जी इसको बहुत अच्छे से यूज कर रही है जी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जी। पब्लिक एंड एथिकल इश्यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग जी, हार्ड सेल एंड कंप्यूटराइज्ड टेली मार्केटिंग ऑफेंड कंज्यूमर जी, दे केप्ट ऑन कॉलिंग द पीपल, रिपीटेड कॉल्स होती हैं जिसकी वजह से बड़ा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होता है, और डेफिनेटली पीपल स्टॉप स्पेंडिंग ऑन दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जी, ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, ये हो सकता है जी, कुछ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स इरिटेट भी हो जाते हैं। देन कम्स के सेकेंड उसमें फेज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड होते हैं जी, तो मैं इसको ये यूं पढ़ लीजिए कि जी फ्रॉड मार्केटर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ इनोसेंट पब्लिक जी। अच्छा, फोन करके जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड भी हुआ
कि वो क्या करते हैं, अच्छा जी आप अपना जो इतने उसका बैलेंस आप हमें भिजवाएं या कोई ऐसा मैसेज कर दें, तो जैसे ही आप मैसेज रिस्पॉन्ड करते हैं वो क्या करते हैं कि जी वो आपका डाटा कैप्चर कर लेते हैं, उसको मिसयूज करते हैं स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। या जैसे ये ईमेल्स के ऊपर होता है कि आपको कोई भी जंक मेल आ जाती है और जब आप उनको वापस भिजवाते हैं तो वो आपका पासवर्ड है करके जी उसमें दे कैन मिसयूज योर ईमेल। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एंड ऑफर्स कैन बी मिसलीडिंग। अच्छा ये दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, ये मैं आपसे कहूंगा। जैसे मैकडोनल्ड्स के केस में बात हो रही थी, बहुत बड़ा बर्गर दिखाते हैं और नीचे हल्का सा लिखते हैं कि जी, या छोटा सा लिख देते हैं कि जस्ट फॉर डिस्प्ले, और जब आप जाते हैं वो बर्गर देखते हैं और आप कीमत देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो लार्ज या उसकी बात करते हैं कि जी मीडियम या लार्ज, तो लार्ज के अंदर आपका ड्रिंक लार्ज हो जाता है, आपके फ्रेंच फ्राइज लार्ज हो जाते हैं जी, बर्गर का साइज वो ही रहता है जी, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जी। तो एट टाइम्स मिसलीड भी हो जाते हैं जी, और जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो उनको मिसगाइड भी किया जाता है जी। ग्रोइंग कंज्यूमर्स ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड ऑन कंज्यूमर्स जी। अब इतने ज्यादा कस्टमर्स कंज्यूमर्स आ रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जब कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के हवाले से इकट्ठा करते हैं तो तब भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक इश्यूज आ जाते हैं जी। देन कम्स जी इंटरेक्टिव मार्केटिंग है, लीवरेज इंटरनेट फॉर इंटरेक्शन, इसको यूं इन्होंने डिफाइन किया। ये एडवांटेजेस ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग, इंटरनेट प्रोवाइड्स मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअलाइजेशन जी। आप इनफरादी तौर के ऊपर यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन शेयर योर ओपिनियन जी। आप उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनको कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप उसे कोई चीज शेयर करना चाहते हैं जी, देन इट बिकम्स। अच्छा इसके लिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर हैं प्लीज उसको जरूर लाइक कीजिएगा जी, कैट फुटवेयर्स को, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों ने फिर उस किस तरीके से इंफॉर्मेशन उसके ऊपर शेयर किया की हुई होती है और कंपनी उसको किस हद तक उसको अप्रिशिएट कर रही होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट जी, बाइंग एड्स ऑन साइट्स रिलेटेड टू द मार्केट मार्केटर्स ऑफरिंग्स जी, तो वो हमारे पास एक चीज आ जाती है कि जी आपके पास वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे आप जंक अखबार खोलते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि जी वो एक पट्टी चल पड़ती है, बैनर चल पड़ता है, या उसके साथ कोई पॉपअप वीडियो आ जाती है कि जिसके अंदर मार्केटिंग हो रही होती है जी किसी भी प्रोडक्ट की जी। इंक्रीज एबिलिटी टू रीच कंज्यूमर्स एंड ट्रैक बिहेवियर जी, ये आप डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को डेवलप करता है। किस तरीके से कि जी आप कस्टमर्स को या कार जो कंज्यूमर्स हैं आप उनको टारगेट कर लेते हैं और उसके बाद का उनका जो बिहेवियर है जी, वो दोबारा से कहूंगा जी, वो बड़ी मशहूर थ्योरी है, इसको अगर आपका इत्तेफाक हो तो जरूर देखिएगा, वो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है जी। वो कहते हैं कि तीन हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक तो है जी बिलीव्स हैं, सेकंड वन इज एटीट्यूड, थर्ड वन इज परसीव बिहेवियर कंट्रोल। ये तीनों मिलके इम्पैक्ट करते हैं जी इंटेंशन को, और इंटेंशन को कैसे डिफाइन किया गया, मोटिवेशन से कहा गया है जी, मोटिवेशन टू परचेज, और फाइनल स्टेज के ऊपर बाइंग बिहेवियर होता है। तो ये ट्रैक बिहेवियर होता है जी, ये हमारे पास लास्ट में चीज आती है और हम ये देखते हैं कि पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है, आर पीपल आर हैप्पी, या वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है जी। देन कम्स इंटरेक्टिव मार्केटिंग जी, अगेन वही हमारे पास टॉपिक चल रहा है जी, इंडिविजुअलाइज्ड मैसेजेस ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट जी। ये जो इंडिविजुअलाइज मैसेजेस होते हैं जी, जिसके अंदर आपको आपके नाम से लेटर आ जाता है, ईमेल आ जाती है, कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाती है, तो वो कहते हैं कि जी वो जो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हुई होती है सर्विस को अवेल करने से जी, वो ऑप्टिमल हो जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसको उठाया जा सकता है जी। इंक्रीजेस रीच कॉस्ट इफेक्टिवली जी,
तो वो कहते हैं कि ये चीज कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे पास इंटरनेट के अंदर वो जो मेल मर्ज का एक ऑप्शन है वर्ल्ड के ऊपर जी, उसकी वजह से बहुत आसानी से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है उनके नाम लेकर जी। ऑनलाइन कम्युनिटीज प्रेसिपिटेट नॉलेज फॉर कंपनीज एंड कंज्यूमर्स जी, ये भी एक बड़ी सी बात होती है, उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही होती है जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत खुलकर ओपिनियन दे रहे होते हैं जी। बाज़ोकात वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो स्टूडेंट्स द्वारा, वो फिर एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देन कम्स जी इंटरक्टिव मार्केटिंग, अगेन द सेम टॉपिक जी। डिसएडवांटेजेस हैं जी इसकी कुछ, कंज्यूमर कैन ऑप्ट आउट ऑफ कम्युनिकेशंस जी, कंपनीज कैन लूज कंट्रोल ऑफ द मैसेज। फेसबुक के ऊपर अगर किसी ने कुछ ऐसा लूज बॉल करा दी है जी, कुछ ऐसा मैसेज पोस्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि भाई मॉडरेटर के थ्रू वो मैसेज पोस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट इधर आपने पोस्ट किया उधर सामने आ गए। जैसे इवन ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है जी, इन्होंने भी ये किया, बीबीसी ने, अगर आपका इत्तफाक हो हैव योर से के ऊपर जाकर देखने का, तो आप वो जो जिस भी न्यूज से मुतल्लिक आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं जी, वो ओपिनियन चला जाता है जी पहले उनके, ये आज से तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 साल पहले नहीं था, ये अभी इन्होंने इसको ऑप्ट किया है, आई एम नॉट श्योर कोई 2-4-5 सालों में पिछले। तो वो क्या होता है कि जी वो मॉडरेटर के पास जाता है और वो कहते हैं कि अगर उसके अंदर कुछ ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं ऐसी यूज की भी, कुछ स्लैंग्स नहीं यूज किए, तो डेफिनेटली दे विल लव टू पोस्ट दैट मैसेज, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है डेफिनेटली दे विल रिजेक्ट दैट मैसेज जी। ऑनलाइन क्लिक्स मे गिव कंपनीज मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि बाज़ औक़ात जी जो ऑनलाइन क्लिक्स होते हैं कि आप और मैं जब क्लिक करते हैं तो हम क्लिक करते ही चला जाते हैं, तो फिर वो कंपनी कहती है अच्छा भाई ये इतना ज्यादा मेरे उसके ऊपर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स ने विजिट किया, बट एक्चुअली कोई एक ही कस्टमर या कंज्यूमर जो है उसके ऊपर वो नेगेटिव वो एक से ज्यादा क्लिक कर लेता है। किस वजह से करता है स्टूडेंट्स, दैट कैन बी ड्यू टू पुअरली डिजाइंड वेबसाइट जी, या तो वो वेबसाइट प्रॉपरली डिजाइन ही होती है या उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स या चीजें आ रही होती हैं जी, वो किसी भी वजह से स्टूडेंट्स हो सकता है जी। टाइप्स ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग, वेबसाइट्स हैं हमारे पास, की इश्यूज इज अट्रैक्टिंग फर्स्ट टाइम एंड इनकरेज रिपीट विजिट्स जी, बार बार एक वेबसाइट को जो है वो उसको विजिट करें जी। माइक्रोसाइट्स जी, लिमिटेड एरिया ऑन द वेब मैनेज्ड एंड पेड फॉर बाय एक्सटर्नल एडवर्टाइजर कंपनी डिजाइन टू सप्लीमेंट अ प्राइमरी साइट जी। सर्च रिलेटेड एड्स जी, लिंक प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद कंज्यूमर सर्च रिजल्ट्स, फी पेड ओनली when link is clicked on by consumer, cost per click correlated with the click rank and popularity of keyword searched. Achha, ye again ji, links provided along with consumer search result ji, aap usko search karte hain ji, jaise naam likhte jate hain to niche suggestions aati jati hain ji. Fee paid only when link is clicked on by consumer ji, fee us waqt pay ki jati hai jab consumer uske upar click bhi karega. और अगेन स्टूडेंट्स इसके ऊपर कहते हैं जी कॉस्ट पर क्लिक कोरिलेटेड विद क्लिक रैंक जी, जितना ज्यादा वो क्लिक करेगा डेफिनेटली जी उसकी उतना ही ज्यादा उसकी रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, एंड पॉपुलैरिटी ऑफ कीवर्ड सर्च, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी एक चीज है जी। देन कम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैज बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग विद ग्रेटर एम्फोसिस क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव सर्च एड्स जी। ये जो सर्चेज होती हैं जी, ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को वो एजुकेट होते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो कितना इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करें और उसके ऊपर अपना टाइम सेव कर सकें। डिस्प्ले और बैनर एड्स, ये स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कंटेनिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस विच आर पेड प्लेसमेंट, सो द लार्जर द ऑडियंस द हायर द कॉस्ट जी। डेफिनेटली अगर आप बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर, आप जंग की वेबसाइट के ऊपर, या आप इसी तरीके से गूगल की वेबसाइट के ऊपर अगर आप पोस्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है और इसके फिर मैस जो है कम्युनिकेशन हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज से फायदा उठाएंगे जी। कंज्यूमर्स ओनली स्पेंड 5% ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन जी, वो कहते हैं सिर्फ 5% टाइम जो है जी, बाकी टाइम वो फिर उसको उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में डेफिनेटली करते हैं जी।
Interstitials are ads, often video and animation, which pop up between changes on a website. Consumer often block these ads. ये भी चीज हो जाती है, आप वेबसाइट ओपन करते हैं उसके साथ कोई एडवर्टाइजमेंट लिंक अप हुई भी होती है जो ओपन हो जाती है. जैसे पिछले दिनों मैं एक देख रहा था कि मैंने एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट ओपन की, तो जैसे ही एज सून एज आई ओपन द वेबसाइट, तो वो एक जो सेल फोन सब्सक्राइबर वो ये जो ऑफर करते हैं ये सर्विसेज, इनकी इनका एक मैसेज ओपन हो गया एंड इट रियली टुक लॉट ऑफ टाइम टू क्लोज दैट. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी भाई हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट मैसेज. तो उसके अंदर उसने मुझे काफी सारा इरिटेट किया, जे टुक माय बहुत ज्यादा मेरा वक्त ले गए. तो उसके ऊपर फिर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा भी आया कि भाई क्या मसला है कि ये पॉपअप वीडियो. कोशिश होती है, स्टूडेंट्स आप समझदार लोग हैं, यू कैन ऑल्सो ब्लॉक द एडवर्टाइजमेंट. जी देन कम्स जी ईमेल कंपेन्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बट रन रिस्क ऑफ स्पैमिंग कंज्यूमर्स एंड दस मी बी फिल्टर्ड बाय कंज्यूमर्स. जी जैसे स्पैमर्स या स्पैम क्या होता है कि जो आपसे रेगुलर ईमेल्स आपको नहीं आ रही होती हैं डायरेक्ट स्पैम में चली जाती हैं. तो वो कहते हैं जी ईमेल कंपेन्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, के ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है जी वो स्पैमिंग का है कि वो जंक मेल के अंदर चली जाती है. जी देन कम स्टूडेंट्स मोबाइल मार्केटिंग ग्रोइंग. जी मेजर अपॉर्चुनिटी विद सेल फोन्स फॉर एडवर्टाइजर्स टू रीच कंज्यूमर्स ऑन द थर्ड स्क्रीन. जी टेलीविजन एंड कंप्यूटर बींग द अदर टू स्क्रीन्स. कि स्टूडेंट्स एक हमारे पास टेलीविजन है जी, दूसरी तरफ हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन्स है जिसके ऊपर हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं जी, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. तो हमारे पास ये दो मीडियम्स आ जाते हैं और द थर्ड थिंग इज ये थर्ड स्क्रीन कहते हैं जी. किसको कहते हैं जी? मोबाइल फोन को, स्मार्टफोन्स को. उससे इन्फॉर्मेशन आप तक जो पहुंच रही है जी, तो उसको उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया है. और वही मैं अभी आपसे जो बात कर रहे थे कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है, आपको कॉल कर लेते हैं, आपको ईमेल आ जाता है या आपको वो क्या जी वो जो एमएमएस आ जाता है आपको किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से. देन कम्स जी मोबाइल एप्स एप्लीकेशंस जी, बाइट साइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन बी लोडेड ऑन टू स्मार्टफोन्स. जी मॉनिटरिंग कंज्यूमर लोकेशन अलाउज फॉर कंज्यूमर स्पेसिफिक प्रमोशन. स्टूडेंट दिस ऑल इज अबाउट पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन. जी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. अगेन जैसे मैं आपसे शेयर करूंगा कि यंग कंज्यूमर्स के हवाले से ये बात की जाती है कि जी वो मल्टी टास्किंग का एक वर्ड यूज करते हैं जी, कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके अंदर. कहते हैं कि वो एक वक्त में एक से ज्यादा मीडियम या मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. एक मीडिया क्या होता है जी? वो किसी जगह के ऊपर प्रिंट मीडिया होता है, कहीं पर उनका वो फेसबुक ओपन सोशल मीडिया ओपन हुआ होता है, टेलीविजन चल रहा होता है, कहीं पर वो गेम खेल रहे होते हैं. तो वो एक वक्त में एक से ज्यादा मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो जब उन तमाम जगहों के ऊपर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स वो देख रहे होते हैं जी, तो वो उनकी बहुत सारी जो 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 इंटरेस्ट है जी वो डिवेलप हो रहा होता है जी. और हम लोगों ने शायद इसको डिस्कस भी किया था कि 1500 से ज्यादा मैसेजेस हम एक दिन के अंदर देखते हैं और उसमें से बहुत सारे बहुत लिमिटेड जो है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पर बात आती है जी यंग कंज्यूमर्स की. डेफिनेटली उसके बारे में वेस्टर्न का तो ये जो वेस्टर्न हमारे यंग कंज्यूमर्स हैं जी उसके ऊपर तो एक ओपिनियन ये है कि जी वो सेविंग नहीं करते, दे ओनली स्पेंड. तो ये मार्केटर्स के लिए बहुत ज्यादा टूल है कि वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उनको टारगेट करें एंड दे कैप्ट ऑन बाइंग देयर प्रोडक्ट्स. बट इस रीजन में जी स्टिल अभी सेविंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है जी. जैसे चाइना में चाइनीज न्यू ईयर के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो ईद के मौके के ऊपर ईदी देते हैं ना जी बच्चों को, इसी तरह से चाइना में वो क्या करते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर के मौके के ऊपर स्टूडेंट बच्चों के साथ वो कुछ अमाउंट शेयर करते हैं जी, उनको देते हैं और उनको एजुकेट करते हैं हाउ टू सेव दैट मनी. तो ये जी हमारे पास ये जो डिफरेंट कम्युनिकेशन के टूल्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. और इस यंग कंज्यूमर्स को समझना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया बिकॉज दे आर वेरी डायनामिक, दे आर ऑलवेज कॉन्टेक्टेड टू और लिंक्ड अप विद द मीडिया जी. ये टेलीफोन के, मोबाइल फोन्स के साथ जी, आपके पास टेलीविजन के साथ, आपके इंटरनेट, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके इन यंग कंज्यूमर्स के पास, आप लोगों के पास स्टूडेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से. और ये बड़ा जबरदस्त तरीके से जी गूगल करना जानते हैं जी, कि आप उसके अंदर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं और उसके ऊपर एक
वो जो सर्चेस की एक लिस्ट आती है जी, वो हमारे पास आ जाती है। इसमें एक और चीज है कि जब हमारे पास आप टेलीविजन के ऊपर देखते हैं कि इफ वी हैव अराउंड 65-70 चैनल्स, तो आप चैनल स्विच करते हैं तो एक चैनल से जब दूसरे चैनल के ऊपर जाते हैं, अगर प्रोग्राम की ब्रेक आती है, तो आप ये देखते हैं कि सेम एडवर्टाइजमेंट प्ले हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, दिस इज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन जी। इनफैक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी टॉपिक के हवाले से जरूर वी विल डिस्कस द थिंग्स, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट जी। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम टॉपिक विद फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स जी। तब तक के लिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।